पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करते हुए प्रदेश भर के लाखों कर्मचारियों ने इको गार्डन में महाप्रदर्शन किया था। उस वक्त स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री ने 2 महीने का समय दिया था, लेकिन इस पर कोई बात नहीं बनी। अब कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच ने लोकसभा चुनाव से पहले महाआंदोलन की चेतावनी दी है। उनके भी वादे हमारे साथ, माने मोदी के वादे भी हमारे साथ हैं, तो 8 लाख कर्मचारियों का पूरा भविष्य उस पर निर्भर है। तो हमने दिया कि जो आंकड़े में सरकार ने पैसा लगाया बहुत खराब स्थिति में लगाया, इसलिए उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे। अब जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वही हम मांग करेंगे कि वही हमको मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आंदोलन न करने के लिए 2 महीने का समय मांगा, कोई हल नहीं निकला। हमने अब हड़ताल पर जाने का निर्णय कर लिया। अगर हमारा उत्पीड़न करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग पॉलिटिकल निर्णय पर उसी हिसाब से लेंगे। चुनाव से पहले हम चाहेंगे कि हमारा निपटारा हो।